अब तक ईस्पोर्ट्स दिवाली बैटल का आज D1 खत्म हो चुका है, 7 मैचेस टोटल था और कल है फाइनल डे। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख सकते हो, टॉप पे है एनटीटी जो कि लास्ट मैच में चिकन निकाल देते हैं इसलिए टॉप पे आ गए, सेकंड पे ओजी, थर्ड पे टीम सोल का लगभग ये बोलो कंसिस्टेंट रहे, बस लास्ट गेम में बोलो 0 पॉइंट निकाले, ठीक है थर्ड पे है। फोर्थ पे गॉड्स रेंज, ये भी भाई कंसिस्टेंट खेल रहे हैं। फिफ्थ पे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का ये लाइनअप बहुत ही बढ़िया खेल रही है, बीस्ट अलग प्लेयर है, निंजा भाई तो और खतरनाक खेल रहे हैं, तो मस्त है, कोई भी टीम जीत सकती है अभी। फिर उसके बाद ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स, तो ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स यहाँ पे सेकंड गेम में क्या ही कमबैक किए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग उतना अच्छा पॉइंट्स नहीं निकाल पाए, मतलब एवरेज खेल रहे थे। फिर गुजरात टाइगर, ये भी एक चिकन निकाली, और OR, तो भाई देख सकते हो टॉप 8 में 7 टीम चिकन निकाली है, सब अलग अलग टीम, कोई 2 चिकन नहीं निकाला है भाई, तो कोई भी कल जीत सकता है जो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसके बाद देख सकते हो रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स 9 पे, फिर साइक, फिर टीम टमिलास, फिर TX, उसके बाद 8 बीट, फिर ग्लैडिएटर ईस्पोर्ट्स एंड फिर टीम गॉड लाइक एंड मिडवेव। तो अब यहाँ पे सबसे गंदा गेम गया है मिडवेव, गॉड लाइक, ग्लैडिएटर बोल सकते हो, क्योंकि ये लोग कोई भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली गॉड लाइक जो कि पिछले टूर्नामेंट में थोड़ा सा अच्छा खेले थे, बट आज तो भाई लगातार 5 गेम वो लोग 1 या 2 पॉइंट निकाल रहे थे। जोनाथन तो फिनिशेस निकाल रहा है, नॉक भी निकाल रहा है, बट पोजिशन नहीं मिल पा रहा है, क्या पता क्या इशूज हो रहा है। और लास्ट गेम में भी जोनाथन ही संभालते जो कि यहाँ पे 14 पॉइंट्स निकाल लेते लास्ट गेम में, तभी वो लोग थोड़ा सा पॉइंट्स जमा कर पाए। अभी देखते हैं यार कौन सी टीम जीतेगी, कोई भी जीत सकता है यार, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और MVP रैंकिंग में भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है गॉब्लिन होंगे, फिर GE के प्लेयर कुछ होंगे, रेवेनेंट के प्लेयर शायद नहीं होंगे, मतलब भाई बहुत सारी टीम्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो MVP रैंकिंग अभी मुझे मिला नहीं है, बट जैसे मुझे मिल जाएगा मैं कमेंट कर दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।